कि सारे औरतें इकट्ठी हुई हैं। हमारे जो मीडिया भैया मानने में जो औरत है ना खासकर सबसे आगे है, उसको आगे रहना चाहिए, पीछे कभी नहीं रहना चाहिए। मेरी मैडम कोर्ट में बैठी है, उनका नाम लीसा है, आप उनके पास जा सकते हो, ठीक है, कोई भी आपका काम वो कर सकते। मतलब ये है कि आज जनानियों का त्यौहार है, मतलब एक दिन है जिसे जनानियों के समान, चाहे वो सिलाई करती चाहे वो कोई घर काम करती, एक मतलब कि रिस्पेक्ट करने जीने वाली वूमन मेरी नज़र उन्नी ही हकदार है जिन्हें कि IAS ऑफिसर है। और गल करिए अस वूमेंस डे की, वूमेंस डे का त्यौहार अस तां मनाने आ कि जिते जेहड़े साढ़े हकूक जियां अज अस बैठी दी आ ना बिना कुंड कटे हुए, मतलब उस टाइम उपर बड़े ज़्यादा सती प्रथा आ जा कुछ भी जा बाहर जाइए सानू काम करने की आज़ादी नहीं। अज एक सशक्तिकरण आंदा जिते कि माँ बाप बच्चियां ही पढ़ाते हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ ना, मी बड़ी ज़्यादा खुशी मिलती, कोई मैडल गले च पाए दिख रही, कोई बच्चे स्कूल जाते दिख रही, क्योंकि देखा जाए तो अज भी साढ़े समाज कुड़ियाँ जड़िया ना अस आखने कि बेटी आई है, बेटी का जन्म होया जो कुछ भी, असल बिच जिले खुशी जड़ी है चंद लोगों ही होंगी है, ये सच है। मैं पढ़ी लिखी हाँ लेकिन फस्ट प्रैफरेंस इंसान की होंगी बेटा, ये समाज की सच्चाई है, लेकिन देखा जाए बेटी भी कोई कोला घट नहीं है, बेटियां भी बेटियां मता कर दें माँ प्यो को, मुंडे भी कर दें, मैं नहीं आती, लेकिन बेटियां जड़ियां ना समाज और साड़ा ध्याड़ा अज नहीं लगा कि मैं कोई सम्मानित कर तो सुटे दें जी थोड़ी जड़ा न, ठीक है ना। तो बाकी अगर अस सशक्तिकरण हो तो फिर जो केसिस आते हैं केसिस देखते हो कोई उपर एसिड सुटे का कोई उपर, उस बाद की होंगे, मैं एक वकील हाँ लेकिन जल्द ट्रायल चलना ना इंसाफ जरा मिलता है, लेकिन जो पेरेंट्स ने जन्म दिता पढ़ाया लिखाया, और मैं तुसें भी यही आख अज साढ़ा ध्याड़ है अस मैं कोई सू लौड़ नहीं पी एक सिर चुकी है जीना सिखाओ मेरे लिए सम्मानित होने के योग्य हो तो जो अदाकारी है सारे एक नाम फिर मैडम जिंदाबाद, निशा मैडम माला ये वो सब होता है, तो ज़्यादा क्या बोलूँ खबरें विचार बाकी वूमेन डे बंदे जरा वूमेन डे जागृत कर दी है कि एक लड़की का जरा है वो किन्ना मान सम्मान होता है। जय जय भारत महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, चल ठीक है बस ठीक मैं
हमने आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वुमन डे को हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया है, वो इसलिए क्योंकि ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने हकूकों और जो भी राइट्स हैं हमारे, हम उनके बारे में अपनी महिलाओं को अवेयर कर सकें। और बजाय मैंने किसी सिटी साइड रखने में जहाँ कुछ भी वो नहीं मुनासिब समझा, वो अच्छा नहीं समझा, मेरा ये था कि मैं गांव में जाके अपनी महिलाओं के साथ इस दिवस को सेलिब्रेट करूं और उनको उनके राइट्स के प्रति जागरूक करूं। और कहीं ना कहीं इस चीज़ में मैं सफल रही हूं और मैंने इनसे एक वादा किया है, जैसे कि आप सब जानते हैं समाज के लिए मैं हमेशा आगे रहती हूं। और एक बार फिर अपनी बहनों से ये वादा करके जा रही हूं, कहीं भी आपको कानूनी सहायता जहाँ किसी मदद की कभी कहीं ज़रूरत पड़े, कोई अवेयरनेस की कुछ भी, कोई पेंशन के फॉर्म नहीं लग रहे हैं, जहाँ असिस्टेंट स्कीम जो शादी के लिए वो नहीं हो रही, जब कोई और बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे इनको मौके पे अवेयर भी करूँगी। और ख़ुद अगर कहीं ऑफिस तक जाना है तो मेरा इनसे वादा है मैं इनके साथ चलूँगी। ये एक बार आवाज़ लगाएं, मैं 10 बार इनके साथ चलूँगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।